दोस्तों, आप देख सकते हैं हम फंस चुके हैं यहाँ पे केव में। दोस्तों इस रोड से अभी हम आए हैं और ये डायरेक्शन है सिया देवी की जाने की। इधर ये आप देख सकते हैं साइन बोर्ड लगे हुए हैं। 1.5 किलोमीटर यहाँ से अंदर है दोस्तों, और ये रोड सीधे हमें सिया देवी तक लेकर जाएगी। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर गबरू। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं सिया देवी टेम्पल, जो भिलाई से अराउंड 80 किलोमीटर आगे है बलोद डिस्ट्रिक्ट में। तो नारा गाँव में ये पड़ता है दोस्तों, और ये देख सकते हैं आप व्यू। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जंगलों के बीच में टेंपल है ये बिल्कुल। और ये एक ऐतिहासिक टेंपल है जो रामायण से जुड़ा हुआ है, रामायण में आप इसका जिक्र भी पाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर में और आपको यहाँ से थोड़ा इतिहास के बारे में भी जानकारी देते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस रास्ते से अभी हम आए हैं और हमें जाना है इधर, और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ की पार्किंग है और गाड़ियाँ आप इस साइड पार्क कर सकते हैं। खुला मैदान है बिल्कुल, ज़्यादा कुछ नहीं है। 20 रुपये की पार्किंग आपकी लगेगी, और 2 व्हीलर्स में है तो 10 रुपये लगेगी। और पार्क आप यहाँ कर सकते हैं, पूरी खुली जगह है। चलिए एंटर करते हैं हम मंदिर के और आगे चल के देखते हैं क्या है। चारों तरफ जंगल हैं दोस्तों, और यहाँ पे एक चीज़ जो हमने नोटिस करी, कौवे बहुत हैं यहाँ पे। अगर आप जैसे कई मंदिरों पे आप जाएंगे, कहीं पे बंदर ज़्यादा होते हैं, पर यहाँ पे हमने नोटिस करा कि यहाँ पे कौवे बहुत ज़्यादा हैं। आप पार्किंग के उस वाले जो खुला मैदान था वहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि कितने सारे कौवे झुंड में एकदम पेड़ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों मंदिर के बाहर आपको कुछ दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसा आप देखते हैं हर मंदिर में बाहर दुकानें होती हैं, और वहाँ पे आप कुछ ना कुछ आइटम परचेज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमारे दोस्तों, ये सिया देवी चाट कॉर्नर नारा गाँव। तो भाई साहब ये मिलेंगे हमारे यहाँ पे, जो सिया देवी मंदिर के बाहर इनका चाट का कॉर्नर है। अगर आप आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे टेस्ट करिए। और ये कुछ भाई साहब है हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हाय कर दो भाई एक बार। हाय। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे हमें, जिसकी वजह से थोड़ा बातचीत करने हम लग गए थे। वैसे ये जगह बहुत बेहतरीन है दोस्तों, जंगल है चारों तरफ। तो शिव जी की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। ये है दोस्तों शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और नंदी महाराज जी की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। बहुत खूबसूरत लग रही है दोस्तों, जंगल के बीचों बीच है एकदम। और जैसा कि आपको बताया कि इस स्थान की ऐतिहासिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रामायण से जुड़ा हुआ है ये स्थान। सिया देवी टेंपल, जो सीता माता जी का टेंपल है, यहाँ का इतिहास ऐसा है कि जब रावण सीता माता को अपहरण कर ले गए थे, तो राम जी और लक्ष्मण जी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे और यहाँ से गुजरे थे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की मूर्ति हम है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे राम जी की, सीता जी की और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। और इधर सामने हमारा सिया देवी टेम्पल माता जी का, यहाँ से सीधा हम जाते हैं तो सामने ही टेम्पल हमारा। अगर आप आते हैं तो यहाँ से अपनी पूजा सामग्री परचेज कर सकते हैं और चढ़ाने के लिए मंदिर में। तो दोस्तों ये है मंदिर की मेन एंट्रेंस जो आप सामने देख रहे हैं, और अगर आप आते हैं तो पहले आप हाथ पर यहाँ पे धो सकते हैं। और ये है मेन गेट, आप जूते चप्पल यहाँ भी उतार सकते हैं, और एल्स यू कैन टेक ऑफ योर शूज़ इनसाइड।
जूता चप्पल यहाँ पे रखें। तो ये दोस्तों यहाँ पे जगह बनी हुई है, आप देख सकते हैं रैक्स बने हुए, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। तो दोस्तों ये है सिया देवी टेंपल जो आप देख रहे हैं अभी हमारे सामने, और ये सिया देवी मंदिर ट्रस्ट ने अपनी अकाउंट डिटेल्स भी दे रखी है, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप इन्हें डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही शांति है अभी यहाँ पे, और यहाँ पे भीड़ कम है अभी थोड़ा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ अंदर का, ये देखिए, और ये देखिए माता जी ने तपस्या करी थी गर्भगृह में, और ये आपको हम दर्शन करा रहे हैं अंदर के। दोस्तों ये माता जी का एक और रूप है जो मनोकामना के लिए होता है, अगर किसी को बेबीज़ वगैरह नहीं हो रहे हैं तो वो अपनी मनोकामना यहाँ पे मांगने आते हैं जो पूर्ण होती है। तो माता जी के कई रूप हैं, ये उनमें से एक है। और दोस्तों बगल में ही यहाँ पे हमारा दुर्गा जी का मंदिर है, तो आपको यहाँ पे कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमा मिल जाएंगी, मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं, जैसा कि आपको पता है माता जी के कई सारे रूप हैं। और यहाँ से जस्ट अगर आप बगल में देखें तो यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर है, और यहाँ हम आपको दर्शन कराते हैं। बहुत बेहतरीन मूर्ति बनाई गई है दोस्तों, और काफ़ी बड़ी है। अगर आप यहाँ आते हैं आपको कई सारे देवी देवताओं के दर्शन एक साथ आपको होते हैं। अगर आप देखते हैं तो व्यू दोस्तों कुछ ऐसा है, यहाँ पे सीता माता जी का मंदिर है, बगल में फिर आपको एक और माता जी का रूप है मनोकामना के लिए जाना जाता है, और उसके बगल में यहाँ पे आपको दुर्गा माता जी का मंदिर है, और उसके बगल में जस्ट यहाँ पे ये जो है लास्ट में ये हनुमान जी का है। और अब हम चलते हैं आगे, बगल से ही यहाँ पे एक सीढ़ी आपको नीचे की तरफ जाते हुए मिलेगी जहाँ पे झरना बहता है, तो हम चलते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं ले जाके। और ये यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे की तरफ, तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो ये व्यू बहुत ख़तरनाक है दोस्तों, जंगल के बीचों बीच है एकदम झरना, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ के व्यू का। एक बार मैं थोड़ा सा आपको अगल बगल का दृश्य आपको दिखा देते हैं, जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल जंगल के बीच में हैं अभी हम, और ये सीढ़ियाँ, बहुत बेहतरीन व्यू है दोस्तों। अगर आप बारिश के समय पे आते हैं तो यहाँ का व्यू कुछ आपको कुछ और मिलेगा, झरना बहुत तगड़ा बहता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है यहाँ का व्यू, जो झरना आप देख रहे हैं बहता हुआ, अभी भले थोड़ा पानी यहाँ पे कम बह रहा है झरने का, बट बारिश के समय पे अगर आप आते हैं तो यहाँ झरना बहुत तेज़ बहता है और पानी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो व्यू तो दोस्तों एक नंबर है, इधर बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, और ये यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पे उन्होंने साधना की थी। और
अभी हमें दोस्तों पता चला है कि यहाँ पे एक गुफा भी है, पर वो गुफा बहुत पतली है। अब हमें पता नहीं कि हम एंटर कर पाएंगे वहाँ कि नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। गुफा में जाने का रास्ता बहुत ही छोटा है, चेक करते हैं भाई। ये है दोस्तों रास्ता, पर हमें लगता नहीं है कि हम अंदर जा पाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत ही पतला है दोस्तों रास्ता। देखते हैं हम ट्राई करके। तो दोस्तों हम एंटर करने वाले हैं अभी गुफा में, और भी कुछ साथी हमारे जो यहाँ वेट कर रहे हैं गुफा में एंटर करने का। और जैसा आपको पता है जगह बहुत ही कम है यहाँ, और हमें लगता नहीं कि हम घुस पाएंगे, बट स्टिल वी विल ट्राई। अरे भैंस की हम दोस्तों रास्ता बहुत ही पतला है, दोस्तों गुफा आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल पतले होके निकलना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो दोस्तों कुछ और साथी हमारे आने की कोशिश कर रहे हैं और हम चलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं रास्ता बिल्कुल तंग है, अगर आप बहुत ही पतले हैं तभी यहाँ से निकल पाएंगे, और एल्स आपके फंसने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हमने मोबाइल की लाइट जलाई हुई है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही, ये ऊपर कर देखिए ना। हाँ हाँ अरे रास्ता कुछ ज़्यादा ही पतला है दोस्तों, बट आपको दिखाने के लिए हमें घुसना ही पड़ेगा गुफा में। ये आराम से आना, ये गुफा दोस्तों आगे निकलेगी जाके वहीं से जहाँ से हमने एंटर करा था। और यार दोस्तों थोड़ा मुश्किल है यहाँ, दोस्तों फिलहाल हम फंस चुके हैं यहाँ पे। नहीं वैसे नहीं, अपने तरफ कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं हम फंस चुके हैं यहाँ पे केव में, और मेरे नीचे आप देखिए। और अब हम यहाँ से कोशिश करते हैं निकलने की थोड़ी बाहर, रास्ता बहुत कम है दोस्तों यहाँ पे। तो ये खतरा आपके लिए हम मोल ले रहे हैं फिलहाल। फाइनली गॉट दोस्तों हम निकल चुके हैं यहाँ से, और आप देख सकते हैं हमारे बाकी साथी भी निकल रहे हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग था दोस्तों, रास्ता बहुत ही पतला है, और अगर आप आते हैं तो गुफा पे जरूर एक बार हुई है। तो ये किसी कामयाबी से कम नहीं है, ऐसे चैलेंजिंग टास्क आपको जरूर करने चाहिए अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, बट अपनी सेहत का पहले ध्यान रखें। अगर मोटे हैं तो घुसने का भाई रिस्क ना उठाएं, पतले इंसान ही अंदर जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है गुफा अभी हम जहाँ से निकले हैं, और इसके बाद अगर आप यहाँ का व्यू देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। और ये है वो झरना जहाँ से बह रहा है। अगर आप मानसून के टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वाटरफॉल यहाँ पे मिलेगा। अभी पानी थोड़ा कम है, बट अगर मानसून के जस्ट बाद अगर आप आते हैं तो आपको एक अच्छा खासा वाटर फ्लो यहाँ पर दिखेगा।
गुफा में दोस्तों हम फंस ही गए थे, बड़ी मुश्किल से निकले हैं। चलिए थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ खतरनाक व्यू यहाँ के। अगर आप आते हैं तो उस गुफा में जाना ना भूलें। थोड़ा सा चैलेंजिंग है दोस्तों, बट मज़ा आपको बहुत आएगा अंदर। और अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ही जाएं, क्योंकि अंदर अंधेरा है और रास्ता बहुत तंग है। और जो भैया मोटे इंसान हैं वो तो बिल्कुल भी ना घुसें, आपके फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाद में हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा, यहाँ पे बाबा जी हैं उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। नमस्कार बाबा जी। तो यहाँ सिया देवी माता जी का जो मंदिर है, यहाँ का थोड़ा सा इतिहास के बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। अब यहाँ की इतिहास ये है कि भोला पठार से भोला जी आए थे, पार्वती भोला जी। अच्छा। घूमते 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 घूमते, हाँ जी, और राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता के खोज में हैं। अच्छा। तो राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे। हाँ। जब सीता जी का अपहरण कर लिया था रावण ने। अच्छा जी। और महर्षि इनका वाल्मीकि जी का भी कुछ है यहाँ? हाँ, वाल्मीकि जी का वो गुफा जो है ना, वाल्मीकि जी। हाँ जी। और जो माता जी के चरण हैं। हाँ जी। और वो जो रास्ता गुफा वाल्मीकि के, मतलब वो पहली रास्ता नहीं थे। हाँ। तो उधरी से उतर करके वो जो है अपना तपसी करते थे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बाबा जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगी ये जानकारी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नमस्कार। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना बाबा जी से, नीचे जिस गुफा में हम गए थे वहाँ महर्षि वाल्मीकि जी वहाँ पे अपना ध्यान लगाते थे, तो रास्ता नहीं था, तो इस वजह से वो गुफा से गुज़र के फिर उधर नीचे जाते थे, जिस गुफा से अभी हम होकर आए हैं। ये हमारा मंदिर है और इसके जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे ज्योति दर्शन, तो इधर हम देखते हैं ज्योति दर्शन जाने का मार्ग। तो फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर नया ज्योति दर्शन अभी बनाया जा रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। सो जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम दोबारा एक बार फिर से आएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये है यहाँ पे माता जी की मूर्ति, और इससे यहाँ पे थोड़ा सा आगे अगर आप आते हैं राम और लक्ष्मण जी की भी मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है घोड़े के साथ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों ये स्थान रामायण में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, सीता जी को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण जी यहाँ पर आए थे, और ये जगह हमेशा के लिए ऐतिहासिक बन चुकी है। अगर आपको पता हो तो रामायण जी ने अपने वनवास के 14 सालों में से 12 साल छत्तीसगढ़ में ही बिताए हैं, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप राम जी और रामायण को अगर आप पढ़ते हैं, रामायण की जानकारी लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ एक बहुत अहम जगह है जहां राम जी ने 12 साल अपने वनवास के बिताए हैं। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी काम भी कर रही है, उनके जितने भी जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को फिर से रिनोवेट करके उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें दर्शन के लिए। तो ये है ज्योति कक्ष, यहाँ पे जो जल रही है माता जी की, हनुमान जी की। एक बार हम आपको अंदर से दिखा देते हैं।
और उधर जैसे हमने आपको दिखाया कि वहाँ पर नया ज्योति कक्ष बन रहा है, ज्योति कक्ष दोस्तों नया वहाँ पे डेवलप हो रहा है, अभी वो बना नहीं है, फिलहाल पुराना यहाँ पे था। इधर से दोस्तों थोड़ा और आगे अगर आप आते हैं तो इधर कुछ और व्यू है, देखते हैं हम क्या चीज़ है। बाकी दोस्तों अगर आप मानसून के टाइम पे आते हैं तो यहाँ पूरा आपको पानी ही पानी मिलेगा, फ़िलहाल अभी पानी सूखा हुआ है, यहाँ पे पानी नहीं है। और अगर आप मानसून के टाइम पे आते हैं तो यहाँ तो दोस्तों ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, अभी पानी सूख चुका है आप देख सकते हैं। और जब यहाँ मानसून के सीज़न में अगर आप आएंगे तो पानी यहाँ चारों तरफ आपको भरा हुआ मिलेगा। और ये हम आपको कुछ ये है दोस्तों यहाँ का व्यू जो बहुत बेहतरीन लग रहा है, ये देखिए पानी पूरा इधर से फ्लो होके आता है और इधर से पूरा आगे की तरफ झरना बहता है फिर आगे की तरफ जाकर। हे गाइस, अब हमारा वक्त हो गया है जाने का, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा सिया देवी टेम्पल के दर्शन करके, और आपने को कई सारी जानकारी भी यहाँ पे मिली होगी। और ऐसे ही हम आपको नई नई लोकेशंस दिखाते रहेंगे, अपना प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।